यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड अपना ओपन कर लीजिए कुछ इस तरह। इसके बाद यहाँ पर देखिए पहली जो कमांड्स है हमारी वो थीम है। थीम्स का मतलब होता है कि आप बैकग्राउंड में किस तरह की थीम लगाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारी थीमें हैं, आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहले यहाँ पर कोई पेज कलर किया, ये कलर ले लिया। इसके बाद ये देखो कलर चेंज हो गया। यानी ये थीम से क्या होता है, जैसा आप लगाना चाहें उस तरह की थीम आपके पेज में लग जाएगी बैकग्राउंड में, ये होता थीम। अब यहाँ से हम कलर हटाते हैं। तो कलर हटाने के लिए आपको पेज कलर में जाना है और यहाँ पर देखिए लिखा नो कलर, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको जो भी बैकग्राउंड में कलर लगा है वो हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगली है, यहाँ पर है आपकी ये स्टाइल है लिखने की, यानी जो डॉक्यूमेंट है आपको किस जो डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है उसको किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई भी टाइटल लिख देते हैं सही, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी हेडिंग हैं। अब जिस हेडिंग में आपको रखना है, थोड़ा इसको एंटर कर लेते हैं। अब जिस स्टाइल में रखना है यहाँ से सेलेक्ट करो डॉक्यूमेंट को, अपने टाइटल को। उसके बाद यहाँ से आपको टाइटल किस स्टाइल में डालना है, देखिए जिस स्टाइल पे आप पॉइंटर रखेंगे माउस का वहाँ पर शो करेगा, अब उसी स्टाइल में आप अपने टाइटल को डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो ये काम होता है इस टाइटल का। अगला है यहाँ पर देखिए कलर है, ये कलर भी आपका जब पेज कलर करेंगे, देखो अभी हम यहाँ पर कलर पे अगर रखते हैं पॉइंटर तो हमारे पेज में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, क्योंकि इस पीछे बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे पेज कलर में और यहाँ से कोई कलर ले लीजिए। कलर लेने के बाद अब इसका ये जो कलर है बैकग्राउंड, इस कलर को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जिस कलर पे आप पॉइंटर रखेंगे पीछे कलर आपका चेंज होता रहेगा, तो ये काम आप कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से कलर को हम हटाते हैं, नो कलर कर दिया। इसके बाद है फॉन्ट, फॉन्ट आपको किस फॉन्ट में रखना है, किस स्टाइल में फॉन्ट को रखना है वो स्टाइल लगा सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पर ये बहुत सारी लैंग्वेज हैं, आप एरियल में चाहें तो एरियल में लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसा आपको पसंद हो आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट को अपना लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगली जो कमांड हमारी है वो है वाटर मार्क। ये वाटर मार्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं जो पहले से बनी हुई है। तो यहाँ पर हम ओपन पे जाते हैं, जाने के बाद देखिए यहाँ पर हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, ये फाइल मैंने ओपन कर ली है फ्रेंड्स। अब इसके पीछे हमें अगर कोई वाटरमार्क लगाना है तो हम क्या करेंगे, लेआउट डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। इसके बाद डिज़ाइन टैब में जाने के बाद वाटरमार्क पे जाइए और यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स कस्टम वाटरमार्क, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ये वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब इसमें देखिए लिखा टेक्स्ट वाटरमार्क, इस पर क्लिक कर दीजिए और अपना यहाँ पर टेक्स्ट कोई भी टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर हम मान लीजिए लिख देते हैं कंप्यूटर, COMPUTER, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ से आप लैंग्वेज जो चाहे ले सकते हो, यहाँ से साइज आप ले सकते हैं और यहाँ से कलर ले सकते हैं किस कलर में आपको लिखना है। तो वाटरमार्क में आपको हल्का कलर ही लगाना है, ज़्यादा डार्क कलर आपको नहीं लगाना है और ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे इसके बाद देखिए प्रीव्यू करके, प्रिंट प्रीव्यू करके जब देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा पीछे वाटरमार्क में जो आपने लिखा है वो प्रीव्यू में शो करेगा कि आपने पीछे डॉक्यूमेंट में क्या लिख रखा है। देखिए यहाँ पर देखो कंप्यूटर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये लिखा हुआ है। तो ये काम होता है वाटरमार्क। यहाँ से हम प्रीव्यू को क्लोज करते हैं, एस्केप की प्रेस किया। इसके अलावा यदि आप कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं वाटरमार्क में, अगर आप कोई टेक्स्ट नहीं रखना चाहते हैं, कोई अगर आप फ़ोटो रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे और वाटरमार्क में जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा पिक्चर, पिक्चर पे जाने के बाद सेलेक्ट पिक्चर पे आपको क्लिक करना है और वर्क ऑफ लाइन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जहाँ भी आपका फ़ोटो है, जो भी डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं, इमेज पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में वो पिक्चर लग गई है, आप प्रिंट प्रीव्यू करके दे सकते हो, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F2। कीबोर्ड से आप कंट्रोल F2 भी प्रेस कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने ये बाइक लगाई थी, देखो यहाँ पर पीछे लगी हुई है, हल्की हल्की आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो ये होता है वाटरमार्क। इसको स्काइप से कैंसिल किया और वाटरमार्क को हटाना है
तो यहाँ पर चले जाइए रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक कर दीजिए, आपको वाटरमार्क जो भी डॉक्यूमेंट में लगा होगा हट जाएगा। और ये है पेज कलर, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि यहाँ से आप कोई भी पेज कलर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा। अगर आप कोई दूसरा कलर लगाना चाहते हैं यानी मिक्स कलर लगाना चाहते हैं, टू कलर या थ्री कलर करके लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आपको जाना होगा फिल इफ़ेक्ट में, और मोर कलर से आप डार्क हल्का करके बना सकते हैं कलर, फिल इफ़ेक्ट में जाएंगे। और यहाँ पर देखिए वन कलर और ये टू कलर, तो हम टू कलर पर क्लिक करते हैं, एक कलर यहाँ से ले लीजिए और एक नीचे से ले लीजिए। इसके बाद यहाँ से स्टाइल जो भी चेंज करना है और ओके कर दीजिए, तो आपके पीछे पेज में देखिए टू कलर लग गए। इस तरह आप कलर लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। अगर इसकी जगह आपको कोई फ़ोटो लगाना है कलर की जगह, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कलर हटाएंगे और फिल इफ़ेक्ट में फिर जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है पिक्चर, बाकी यहाँ पर टेक्स्चर, यहाँ से भी कलर लगा सकते हो, पैटर्न से कलर लगा सकते हो इस तरह का। यहाँ से आप कलर बना करके ये कलर भी आप डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, इसमें से जो भी बॉक्स आपको अच्छा लग रहा हो उस पर ओके कर दीजिए, आपको देखिए पीछे बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा। अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जाना होगा फिल इफ़ेक्ट में और पिक्चर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर वर्क ऑफ लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको वो फ़ोटो लेना है जो बैकग्राउंड में आपको लगाना है। जैसे ये हमको लगाना है तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया इसको और इंसर्ट कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में पीछे देखे पिक्चर बैकग्राउंड में लग गई है। तो इस तरह आप कोई भी पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम करते हैं नो कलर। नेक्स्ट अगली कमांड हमारी है, इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट अगली कमांड हमारी है इसमें बॉर्डर, पेज बॉर्डर, यानी पेज में आप बॉर्डर किस तरह का लगाना चाहते हैं, तो पेज बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद बॉर्डर पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बॉक्स लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से लाइन आपको लेनी है कि किस तरह का बॉर्डर लगाना है, कितनी मोटी लाइन लेना वो ले लो। इसके बाद यहाँ से लाइन का कलर, बॉर्डर का कलर कर सकते हो, ओके कर दीजिए, आपको देखिए बॉर्डर पेज में लग गया है। और इस पेज को हम 100% करके आपको दिखा रहे हैं, व्यू पे मैंने क्लिक किया और 100 पे क्लिक कर दिया, ये बॉर्डर देखिए लग गया आपके सामने, दिखाई पड़ रहा होगा ये बॉर्डर लग गया है। इसके बाद इस बॉर्डर के अलावा अगर आप कोई दूसरा बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर पर जाइए और नीचे देखिए लिखा है नन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ऊपर देखिए इसमें कलर बॉर्डर हैं, नीचे ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर हैं, इसमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद है अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने एक इसमें से डिज़ाइन ले लिया, कुछ कलर में ये डिज़ाइन ले लिया। अब देखिए इस समय अगर हम ओके करेंगे तो ये जो बॉर्डर आपको दिखाई पड़ रहा है पूरे पेज में देखो अप्लाई हो जाएगा। और इस बॉर्डर की अगर लाइन मोटी है, इसको थोड़ा पतले में रखना चाहते हो, साइज़ कम करना चाहते हो, तो आप पेज बॉर्डर पे जाइए और यहाँ से इसकी विड्थ कम कर लीजिए कुछ इस तरह। इस पर क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे तो इसकी विड्थ कम होगी और ओके कर देंगे तो देखिए कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बॉर्डर। अब बॉर्डर एंड साइडिंग, कमांड का नाम है बॉर्डर एंड साइडिंग। तो ये मैंने बॉर्डर लगाया है और बॉर्डर के बाद साइडिंग लगाना है, तो आप साइडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई कलर ले लेंगे। कलर लेने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास देखिए साइडिंग आ गई। अब जैसे जैसे लिखते जाओगे ये साइडिंग वाला कलर ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, ये आप इंटर करेंगे तब भी देखिए बढ़ रहा है। तो ये है साइडिंग। साइडिंग के कलर को आप चेंज भी कर सकते हो, इसमें जाने के बाद यहाँ पे जाइए और यहाँ से फिर कोई एक कलर ले लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद हो उस पर क्लिक करके ओके कर दो और आपके सामने देखिए इस तरह साइडिंग लग जाएगी। अगर आपको हटाना है साइडिंग तो बॉर्डर पे जाइए, साइडिंग पे जाइए और यहाँ पर ले लीजिए क्लियर, इसको ऊपर ड्रैग करिए, इसके बाद क्लियर पे क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए नो कलर और ओके कर देंगे तो आपकी साइडिंग हट जाएगी। देखो साइडिंग हट गई है। अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो आपको नन पे क्लिक करना होगा, आपका बॉर्डर भी देखिए हट जाएगा इस तरह। तो दोस्तों ये डिज़ाइन टाइप के बारे में मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेआउट के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।